हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो मैंने जो आप लोग को लास्ट टू वीडियोस शेयर की थी एस्थेटिक की, सौंदर्य शास्त्र की, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि सौंदर्य क्या है और सौंदर्य की परिभाषाएं भी दी थी कि कौन से डिक्शनरी से या फिर किसने क्या परिभाषाएं दी हैं, किसने अपने नज़रिए से क्या क्या चीज़ों में सौंदर्य देखा हुआ है, और जो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत कला का क्या महत्व है, कला का क्या योगदान रहा है, वो भी बताया था कि कला जो है और जो सौंदर्य है वो दोनों सार्वभौम में है, मतलब वो हर जगह निहित होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को सौंदर्य शास्त्र के प्रकार भी बताए थे कि उनको दो भागों में बांटा गया है सौंदर्य के प्रकार को, वो कौन कौन से थे, भौतिक सुंदरता और संवेदनात्मक सुंदरता। तो इन दोनों भागों को भी दो भागों में बांटा गया था, मतलब भौतिक सुंदरता और संवेदनात्मक सुंदरता को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो भौतिक सुंदरता को जो डिवाइड किया हुआ था, पहला था उसमें नैसर्गिक सुंदरता और दूसरा था आपका कृत्रिम सुंदरता, और जो आपका संवेदनात्मक सुंदरता था सेकंड, उसको भी दो भागों में बांटा था, वो था मानवतावादी और नैतिक सुंदरता। तो ये दोनों इसके भाग थे। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो दार्शनिक हैं तो सारे दार्शनिक ने अलग अलग मत दिए हुए हैं, सबके अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएँ हैं, सब ने अलग अलग सिद्धांत भी बनाए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले खोज की थी वो तो बॉमगार्टन ने की थी 1750 में, एस्थेटिक की खोज की थी। और कौन से शब्द से इसकी खोज हुई थी, एस्थेटिको शब्द से इसकी खोज हुई थी। तो ये दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है क्या, सौंदर्य शास्त्र। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को वो लास्ट टू वीडियो में बताई थी। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि उसके बाद दार्शनिक के बारे में बताऊंगी, तो चलिए आपको बॉमगार्टन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को प्लेटो के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। तो चलिए हम प्लेटो के बारे में आज पढ़ते हैं। प्लेटो को अपनी युग का ही नहीं सभी युगों का महानतम विचारक व दार्शनिक माना जाता है। तो ये जो प्लेटो दार्शनिक विचारक थे, वो जब थे, जब जीवित थे, तब तो वो अपने टाइम के जो है, अपने युग के वो महानतम विचारक माने ही जाते थे। देखिए अभी भी आप प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटो उस युग में तो था ही, जब वो जीवित थे तब तो थे ही, और अभी भी आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो वो अभी भी उतने ही फेमस हैं। तो यही लाइन है कि प्लेटो अपने युग का ही नहीं सभी युगों का महानतम विचारक व दार्शनिक माना जाता है। मतलब इनका जो क्षेत्र था, जो इन्होंने दार्शनिक के बारे में बताया हुआ प्लेटो के बारे में, कि जो इनका क्षेत्र था मतों को लेके, विचारों को लेके, वो सीमित नहीं था, वो काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा, काफ़ी जो है ह्यूज था। तो चलिए आगे देखते हैं कि एमर्सन ने इनके बारे में क्या कहा है। एमर्सन का प्रसिद्ध कथन है, प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है, प्लेटो इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी इज़ प्लेटो। तो देखिए कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि, जैसे एक कहावत है कि जो है वो खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता, मतलब उसको खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि वो खाने के लिए जीता है कि हाँ मुझे नई नई चीज़ें मिले, मैं उनमें और क्या चीज़ें अच्छी हैं, हर तरह की चीज़ें ट्राई करूँ खाने के लिए। तो कुछ लोग होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, हाँ भाई इतने में हो गया, अब मेरा आज का दिन इसमें जो है गुजर जाएगा, चलो ठीक है। अब तो ऐसे इसमें प्लेटो के बारे में बताया था कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, मतलब प्लेटो ने जो दर्शन के बारे में बताया ही बताया है, लेकिन जो दर्शन शास्त्र में मुख्य महत्व है वो प्लेटो का है। तो प्लेटो इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी इज़ प्लेटो, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जो है महत्वपूर्ण, जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कि दर्शन जो है वो प्लेटो है और प्लेटो भी दर्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उनके अतिरिक्त वे अन्य अनेकों दार्शनिक धाराओं और शाखाओं के प्रणेता थे। तो देखिए प्लेटो ने जो इसमें सिद्धांत दिया है, सौंदर्य शास्त्र में जो सिद्धांत दिया ही दिया है, जो है वे अन्य अनेकों दार्शनिक धाराओं। तो देखिए जो है ये सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी अपना योगदान दिया है, समाज शास्त्र में भी अपना योगदान दिया हुआ है। तो मतलब जो इसकी दार्शनिक धाराओं की जो शाखाएँ हैं उनमें भी, उनके भी ये प्रणेता माने जाते हैं, मतलब उनमें भी इनका बहुत महत्व है। तो सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ इनका जो क्षेत्र रहा है, मैंने आप लोग को बताया कि वो काफ़ी बड़ा था, मतलब इनके जो मत दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और सौंदर्य शास्त्र में ही नहीं बाकी शास्त्रों में भी इनका महत्व रहा है। तो यही कह रहा है कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनके अतिरिक्त भी जो है
अनेकों दार्शनिक धाराओं और शाखाओं के प्रणेता भी थे। मतलब जो अनेक दार्शनिक थे उनके प्रणेता भी थे, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि इनके शिष्य जो थे उनको भी इन्होंने काफ़ी आगे तक पहुंचाया। उन्होंने भी इनके जो शिष्य थे अरस्तु, उनको भी आप लोग पढ़ेंगे आगे कि वो कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं सौंदर्य शास्त्र में। तो जो है प्लेटो जो थे वही कहा है कि दार्शनिक धाराओं के बारे में तो बताया ही बताया है, इसकी शाखाओं के बारे में भी बताया, लेकिन वो प्रणेता भी माने जाते हैं। यूरोप में जो भी विचारधारा पनपी उनका उद्गम प्लेटो में ही खोजा गया था। देखिए यूरोप में जो सौंदर्य शास्त्र को लेके जो सबकी विचारधाराएं थी, तो जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जो उस विचारधारा को मानते हैं कि हाँ इनमें ही पनपी है, तो किसमें पनपी, किसमें खोजा गया है, वो प्लेटो में ही खोजा गया है वो। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो का भंडार विशाल है, यहाँ सौंदर्य संबंधी विचारों तक ही सीमित रहेंगे। देखिए मैंने बताया ना कि प्लेटो का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा था, तो प्लेटो का जो भंडार है वो काफ़ी विशाल है। मतलब अगर आप सिर्फ प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको इतनी ज़्यादा जानकारी जानने को मिलेगी कि ये मान लीजिए आप जो है प्लेटो के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिख सकते हैं। तो प्लेटो का जो भंडार है, मतलब जो इन्होंने प्लेटो ने लिखा हुआ है, वो बहुत बहुत इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत विशाल भंडार है, लेकिन हम यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र संबंधी विचारों तक ही, मतलब हम यहाँ पे जो उनके सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो उनकी विचारधाराएं, जो उनकी मत हैं, हम केवल जो है यहीं तक सीमित रहेंगे। मतलब हम बस उन्हीं विचारधाराओं को पढ़ेंगे जो इन्होंने सौंदर्य शास्त्र के रूप में बताई हुई हैं। प्लेटो ने स्वयं सौंदर्य शास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है। देखिए प्लेटो की जो पुस्तक कोई भी नहीं लिखी, जैसे बॉमगार्टन ने पुस्तक लिखी थी, तो वैसे ही प्लेटो ने इसके ऊपर कोई अलग से पुस्तक नहीं लिखी है, कोई ये बुक नहीं लिखी है कि हाँ सौंदर्य शास्त्र के ऊपर जो है वो पूरी पुस्तक लिख रहे हैं। लेकिन उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे मत, बहुत सारे सिद्धांत प्रकट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उनके कला संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक को डायलॉग्स सिंपोसियम रिपब्लिक और जो थर्ड है फ्रेडरस है, इसमें बिखरे हुए हैं, वहीं के लिए के वहीं से लिए जाते हैं। अच्छा देखिए ये जो प्लेटो थे, इनकी ये तीन पुस्तक के नाम बताए गए हैं, जो प्लेटो के डायलॉग्स थे वो कौन सी तीन पुस्तक से लिए गए हैं, जो सौंदर्य शास्त्र संबंधी जो डायलॉग्स हैं वो कौन से पुस्तक से लिए गए हैं। तो फर्स्ट है आपकी सिंपोजियम, सेकेंड है आपकी रिपब्लिक, थर्ड है आपकी फ्रेडरस। तो इनमें जो इनके विचार हैं सौंदर्य शास्त्र को लेके, वो इनमें इन तीन पुस्तक में इनके डायलॉग्स मिलते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, परंतु उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। देखिए सोक्रेटिस जो थे वो क्या थे, प्लेटो के गुरु थे, तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे, परंतु उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। मतलब वो जो है हर एक क्षेत्र में, बहुमुखी मतलब होता है कि हर एक क्षेत्र में अपनी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करना। तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य तो थे ही, परंतु उनकी जो प्रतिभा थी, जो उनको सम्मान मिला है, वो हर क्षेत्र में मिला हुआ है, तो वो बहुमुखी थे। ठीक है, उन्होंने संसार के सभी विषयों पर जो उस समय महत्वपूर्ण थे उन पर अपने विवाद विचार प्रकट किए हुए हैं। देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्लेटो सिर्फ सौंदर्य शास्त्र तक सीमित नहीं है, तो यही जो है उन्होंने संसार के सभी विषयों पर, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं संसार में, जितने भी विषय बताए गए हैं, तो प्लेटो ने सबके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बोली ही बोली हैं, अपने विचार प्रकट किए ही किए हैं। तो देखिए मैंने बताया कि प्लेटो का जो भंडार है वो बहुत विशाल है, मतलब उसके बारे में जो है पूरी पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसा मैंने बताया। तो इनके बारे में पढ़ना जो है काफ़ी टाइम लगेगा आपको प्लेटो के बारे में पढ़ने में। तो यही कह रहा है कि उन्होंने संसार के सभी विषयों पर, मतलब उन्होंने जो जितने भी विषय हैं सबके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, विचार प्रकट किए हुए हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सौंदर्य शास्त्र में जो उनके मत थे वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। उन्होंने अपने गुरु सुकरात से कट्टर आदर्शवाद प्राप्त किया। सुकरात के आदर्श में जीवन और उच्च आदर्श के लिए मृत्यु ने उनके विचारों को सुदृढ़ बना दिया। देखिए जो उनके जो है गुरु थे सुकरात, मैंने अभी बताया पीछे कि सुकरात के प्लेटो जो है वो शिष्य थे, तो सुकरात से उन्होंने कट्टर आदर्शवाद
प्राप्त किया। ये जो आइडियलिज्म है उन्होंने किससे सीखा था, सुकरात से सीखा था। सुकरात के आदर्श में जीवन और उच्च आदर्श के लिए मृत्यु ने उनके विचारों को सुदृढ़ बना दिया। देखिए ये जो है ये चीज़ें सीख के उन्होंने जो चीज जो अपने मत प्रकट किए हैं उनके मरने के बाद जो है उनके जो विचार थे उनको और जो है सुदृढ़ बना दिया, मतलब वो उसके बाद आगे काफ़ी प्रचलित हुए। तो आगे देखते हैं, आदर्शवाद के अतिरिक्त अपने गुरु से प्लेटो ने संवाद विधि भी पाई थी। देखिए आइडियलिज्म तो उन्होंने सुकरात से आइडियलिज्म तो प्राप्त किया ही किया था, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने गुरु से क्या प्राप्त किया था, संवाद विधि। संवाद विधि मतलब होता है कन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब आपस में बातचीत करना। तो वो उन्होंने किससे सीखा था, सुकरात से सीखा था। किसने, प्लेटो ने सीखा था। तो जो संवाद विधि थी आदर्शवाद के बाद उन्होंने संवाद विधि जो थी वो भी उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। तो प्लेटो क्या करते थे, अपने शिष्यों के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में विचार विमर्श किया करते थे। मतलब वो अपने जो उनके शिष्य थे प्लेटो के, तो उनसे अपने विचार विमर्श करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, फिर उनका उत्तर लेते थे। तो जो उनके दिमाग में विचार आते थे सारे जो है सभी चीज़ों को लेके, तो वो अपने शिष्यों के साथ विचार किया करते थे, आदान प्रदान किया करते थे। प्लेटो के अनुसार देखते हैं, प्लेटो के अनुसार क्या कहा है प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। तो देखिए प्लेटो का मानना है कि सत्य जो है, सत्य से ही, देखिए कभी भी आप लोगों को अभी भी बताया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए जो है, सत्य बोलने से ही हमें जो है आगे का जो रास्ता है वो आसानी से मिल जा प्राप्त होता है। तो देखिए सत्य से ही उन्होंने क्या माना है कि जो सत्य पे चलता है आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। तो सत्य से ही आध्यात्मिक जीवन को बल मिले, मतलब उसी से उनको जो है एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो मिलती है जब हम क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्य वह है जो नित्य शाश्वत स्वनिर्भर और निरपेक्ष हो। तो देखिए इन्होंने सत्य को क्या माना है कि जो नित्य शाश्वत, मतलब वो जो है नित्य मतलब होता है ऑलवेज, शाश्वत मतलब सदैव के लिए, और जो स्वनिर्भर तो आप लोगों को पता है कि खुद पे निर्भर रहना, और थर्ड है आपका निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। तो जो सत्य को माना है उन्होंने क्या माना है कि वो आपके साथ नित्य मतलब हमेशा ही रहेंगी वो चीज़ें जो सत्य होंगी, शाश्वत मतलब सदैव के लिए कभी ना ख़त्म होने वाली, स्वनिर्भर जैसे आप लोग कुछ भी करेंगे आपके ऊपर निर्भर है कि आप हाँ सत्य बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, तो वो स्वनिर्भर होता है और निरपेक्ष ऑब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो जो सत्य होता है वो नित्य शाश्वत स्वनिर्भर और निरपेक्ष होता है, ठीक है। सत्य अमर है, वस्तुएं नाशवान हैं। इसी प्रकार साधारण जीवन की वस्तुएं आभास हैं क्योंकि वह नाश्वर और परिवर्तनशील हैं। तो देखिए प्लेटो ने माना है कि सत्य अमर है, मतलब जो सच्चाई होती है वो हमेशा अमर होती है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे प्रकृति की देन है, तो ये सत्य है, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता है, तो ये अमर है, ठीक है। तो सत्य अमर हुए, वस्तुएं नाशवान है, कोई भी वस्तु हो वो नाशवान है, मतलब वो एक टाइम के बाद वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार साधारण जीवन की वस्तुएं आभास हैं, मतलब जो हमारे जीवन में नॉर्मल वस्तुएं होती हैं वो आभास मतलब वो एक इंकलिंग एक संकेत हैं, ठीक है। तो और क्योंकि वह नाश्वर और परिवर्तनशील है, तो देखिए वो जो है नाश्वर है मतलब कुछ टाइम पर वो नष्ट हो जाएंगी और परिवर्तनशील है कि कुछ टाइम पर कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें जो है वो बदलनी ही बदलनी हैं। तो जो सत्य है लेकिन वो हमेशा रहेगा, तो सत्य जो है वो अमर है। तो आगे देखते हैं प्लेटो कला के विषय में। तो प्लेटो देखते हैं कि कला के विषय में प्लेटो का क्या योगदान रहा है, क्या कहा है उन्होंने प्लेटो ने, चलिए देखते हैं। प्लेटो कला के विषय में, प्लेटो परम पिता परमेश्वर को असीम सौंदर्यवान मानते हैं, सौंदर्य सत्य और अच्छाई उसी परमेश्वर से उपजते हैं। देखिए प्लेटो ने परमपिता परमेश्वर को, मतलब जो हमारे परमेश्वर हैं जो हमारे भगवान हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा सौंदर्यवान माना है। क्यों माना है, क्योंकि सौंदर्य सत्य और अच्छाई उसी परमेश्वर से उपजते हैं, मतलब वो परमेश्वर को जो है वो सुंदर मानते हैं, सत्य मानते हैं, उन्हीं को जो है अच्छा मानते हैं। और हमारी और जो भी अच्छाइयाँ हैं वो भी कहाँ से उपजती हैं, परमेश्वर से उपजती हैं, वो भी ऊपर वालों की एक देन मानी है किसने, प्लेटो ने। तो प्लेटो ने जो है वो सौंदर्य सत्य और अच्छाई में माना है, जो कहाँ से उपजते हैं, परमेश्वर से उपजते हैं। कला के द्वारा मानसिक स्थितियों का भौतिक रूप में प्रकटीकरण होता है।
देखिए, जैसे आप कोई भी कला करते हैं, जैसे आप बहुत प्रसन्न मन से रहेंगे तो अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, तो कला के द्वारा मानसिक स्थितियाँ, जैसे मान लीजिए आप बहुत सैड हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं या गाते हैं, तो कला के द्वारा मानसिक स्थितियों का भौतिक रूप में प्रकटीकरण होता है। मतलब जैसे आपका मूड होगा, जैसे आपकी मानसिक स्थिति होगी, तो वैसे ही आपका आप प्रकट करेंगे, तो कला के द्वारा ही तो होता है। जो वो कोई सी भी कलाएँ हो सकती हैं, तो यही वो कह रहा है कि कला के द्वारा मानसिक स्थितियों, मतलब जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हमारे दिमाग में होता है, उनका प्रकटीकरण होता है। संसार की सारी वस्तुएं सुंदर हैं क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो प्लेटो मानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी सुंदर है क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। मतलब वो जो ईश्वर ने बनाई हुई है कहीं ना कहीं उसी की प्रतिछाया मानते हैं प्लेटो। तो संसार की सारी वस्तुओं को सुंदर मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संसार की सारी सुंदरता मुझ में केंद्रित है। सूर्य चंद्र और संसार की सारी सुंदर और प्रकाशमान वस्तुएं, सभी कुछ जो आकर्षक लावण्य है, उन सभी का मूल स्रोत मैं हूँ। देखिए, जैसे प्लेटो ने बताया है कि जो परमपिता परमेश्वर है वही सौंदर्यवान है, ठीक है। तो ये सब प्लेटो मानते थे, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो भी गीता, श्री कृष्ण ने गीता में कुछ अपने शब्द कहे हैं जो है सुंदरता को लेके, तो वो हैं, संसार की सारी सुंदरता मुझ में केंद्रित है। मतलब संसार में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो किस में समाहित हैं, भगवान श्री कृष्ण में, मुझ में केंद्रित है। मतलब वो सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण में मिलती हैं। सूर्य चंद्र और संसार की सारी सुंदर प्रकाशमान वस्तुएँ, सभी कुछ जो आकर्षक लावण्य हैं। देखिए, संसार में जो भी चीज़ें हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, जो भी प्रकाशमान, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आकर्षक लगती हैं, मतलब अट्रैक्टिव लगती हैं, लावण्य में मतलब एलिगेंस जो होता है, वो जो है वो सारी चीज़ें जो उनका मूल मंत्र होता है वो किस में होता है, मैं मतलब श्री कृष्ण। वो मानते हैं कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो श्री कृष्ण में, मतलब मुझ में समाहित हैं। चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जितनी भी आकर्षक लावण्य में चीज़ें हैं, वो सारी किस में समाहित है, भगवान श्री कृष्ण में समाहित हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है। देखिए, जो श्री कृष्ण ने कहा हुआ है यही सारी चीज़ें प्लेटो ने भी कही हुई हैं कि जो है संसार की सारी वस्तुएं ईश्वर की बनाई हुई हैं या फिर उनका प्रतिबिंब है, मतलब एक प्रतिछाया के रूप में है। तो वही जो है उन्होंने सेम चीज़ें प्लेटो ने भी बताई हुई हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है। तो ये जो प्लेटो हैं इनके बारे में आप लोग को जो है काफ़ी और चीज़ें बताऊंगी मैं आगे। तो ये जो वीडियो है मैं आपका यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज के लिए। और प्लेटो के बारे में अभी मैं आप लोग को आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और इन्होंने जो है सौंदर्य किस में देखा है, किस किस चीज़ में देखा है, किन किन रूपों में देखा है। तो चलिए, इससे प्लेटो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, या फिर कोई वर्ड को लेके आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, तो वो जो है मैसेज करिए। चलिए, थैंक यू।